को बताने की कोशिश करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि जो चीजें हैं शायद अगर आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप उन्हें समय रहते कवर कर सकें और समय रहते उन बीमारियों से बच सकें। और ऐसे ही तमाम चर्चा आपके सामने लाते हैं हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीके अग्रवाल। डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको बता दें दर्शकों, डॉक्टर बीके अग्रवाल जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और एमडी मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं उनमें भाग लिया है डॉक्टर्स ने हमारे साथ। और स्टूडियो में कई बार हमने हार्ट के जो बीमारियां हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा की। और कई कैंप और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर संचालित करते हैं समाज को अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे ही आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज चर्चा करेंगे हम डायबिटीज के बारे में, जो कि लोगों को कॉमनली जिन सिम्टम्स के बारे में लोगों को पता है वो शायद समझ लेते हैं कि वीकनेस या किसी और चीज की वजह से उनको ये परेशानियां हो रही है, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं घातक परिणाम ला सकती हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले डॉक्टर से जान लेते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज है क्या, जो लोगों के दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि मीठे से मधुमेह और डायबिटीज, उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, ये एक तरीके का, जैसे डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। जी जी। और वही लेवल पेशाब के रास्ते फिर रिलीज होना, ये एक मान के चलें कि ये डायबिटीज़ है। जब भी ब्लड शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो होता क्या है कि इसमें एक प्रोसेस है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पेट में एक जगह होती है पैंक्रियास, उस पैंक्रियास की वजह से वो जो पैंक्रियास हमारा इंसुलिन को बनाता है, जब भी वहाँ पे डिफेक्ट होता है तो वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये डायबिटीज़ का एक बेसिक हुआ है, जो मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ क्यों होती है। जी, जैसा कि एक आम धारणा है कि ये हम मान के चलते हैं कि डायबिटीज़ बच्चों में नहीं हो सकती, कि डायबिटीज़ बड़ों की बीमारी है। जी, पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा है। वैसे तो मैं बेसिकली बता दूं कि डायबिटीज़ को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो टाइप वन डायबिटीज़ और एक टाइप टू। लगभग अपने देश में इस टाइम पे 6.5 से 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, नो डाउट महामारी है ये। मेरे हिसाब से हम वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे ऊपर हैं, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी में। दूसरा, जो बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज़, जो बड़ों में डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइप टू डायबिटीज़। जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसका परसेंटेज कम है, वो लगभग मान के चलिए 2-5%, यानी कि कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा है उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है, 5 साल का बच्चा है उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो एक शॉक्ड रहते हैं ना लोग कि बच्चों में डायबिटीज़ नहीं हो सकती, दैट इज़ टाइप वन डायबिटीज़। उस डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये ऑटोइम्यून प्रोसेस होती है, अपना ही पैंक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनता है बीटा सेल में से, वो पैंक्रियाज अपने आप ही ऑटो डैमेज होने लगता है, मतलब वहाँ से बच्चों में वो इंसुलिन बिल्कुल रिलीज ही नहीं हो रहा। तो दैट इज़ टाइप वन डायबिटीज़। टाइप टू जो डायबिटीज़ होती है उसमें मेनली इंसुलिन इफेक्टिव नहीं होता, बनता तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता, दैट इज़ टाइप टू डायबिटीज़। तो वो जो टाइप टू डायबिटीज़ है वो बड़ों में होती है। लेकिन एक और डायबिटीज़ है जिसको हम बोलते हैं 12 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, वो टाइप टू डायबिटीज़ जो हमारे 40-45 साल के इंसान को हो रही है वो बच्चों में हो रही है, वो एक भयानक स्थिति है, वो आजकल देखने को मिलती है। जिसको बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप 1.5 डायबिटीज़, यानी कि बड़ों वाली डायबिटीज़ की बीमारी है। दवाइयाँ जो बड़ों में चलती हैं वो चलनी है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। वो जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1.5 डायबिटीज़ है, वो बच्चों में होती है, वो एक भयानक स्थिति है। तो ये मोटा मोटा इसमें हम दो बार बांटते हैं। एक और अलग एक डायबिटीज़ की जो तकलीफ होती है वो है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, जो अपनी लेडीज़ हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें एक तरीके की डायबिटीज़ होती है, वो उसी की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो एक डायबिटीज़ की टाइप होती है। चौथा, जो अगर कई लोगों में देखा जाता है, एक डायबिटीज़ होती है जो कि कई मेडिसिन से हो जाती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अगर लगातार यूज़ करें, जैसे स्टेरॉयड हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग हैं, तो वो ऐसी दवाइयों से भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है और दवाइयाँ हम छोड़ देते हैं तो वो स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। तो एक मोटा मोटा इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं।
तो कह सकते हैं कि पहले सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा अब जो बच्चों में जो गर्भस्थ शिशु हैं या जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें जो डायबिटीज की समस्याएं देखने को आ रही हैं वो खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी हैं एक तरीके से। तो उसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सावधानियां रखें वो? देखिए, गर्भवती महिलाओं में जो अपने यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा है कि जो हम एशियन जो पूरा जो पॉपुलेशन है इसमें गर्भवती महिलाएं हमारे डायबिटीज़ के ज़्यादा रिस्क पे हैं, बजाय इसके कि जो आम वेस्टर्न महिलाएं, यानी कि जैसे हम एशियन लोग, यानी हम जो इंडियन लोग हैं भारतीय, अगर भारतीय ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चाइना या कई और कंट्री में बस जाते हैं उनको भी उतनी ही डायबिटीज़ की संभावना है जितनी इंडिया में रहते हुए है। यानी कि हमारा बॉडी का जेनेटिक मेकअप है वो इस टाइप का है कि उसकी वजह से डायबिटीज़ की संभावना रहती है। यानी कि एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा डायबिटीज़ है, ऐसे ही गर्भवती महिलाओं में। तो गर्भवती महिलाओं में अब ये जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि गर्भवती महिलाओं में यहाँ से हम अगर हम जड़ को खोजें कि डायबिटीज़ को जी। तो दोनों ही तरफ से आफत है। अगर गर्भवती महिला के अंदर बच्चे का वजन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है जी, वजन कम है तो प्रॉब्लम है। तो अंडर न्यूट्रिशन वाली महिलाएं, ओवर न्यूट्रिशन वाली महिलाएं, दोनों के लिए ही ये प्रॉब्लम है। और आगे चल के उनका बच्चा 17-18 साल में जब बड़ा होगा तो उसको डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है एक आम बच्चे से जो नॉर्मल वेट वाला है जी, जी। तो गर्भवती महिलाओं में आज के टाइम पे मेडिकल साइंस ये कहती है कोई भी गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाते हैं, लेडी डॉक्टर के पास, सबसे पहले पहली ही विजिट में 50 ग्राम ग्लूकोज पिला के उनका ब्लड शुगर का लेवल कर लें। अगर ब्लड शुगर का लेवल उस ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद 140 से ऊपर आता है हमें सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आगे चल के मैक्सिमम संभावना इनको डायबिटीज़ की हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, हम छठवें और सातवें महीने पे जरूर उसमें ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं जिससे कि कहीं प्रेगनेंसी की वजह से, गर्भाधारण की वजह से हमें शुगर तो नहीं हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है, बच्चे पे नुकसान होते हैं, मदर पे नुकसान होते हैं, तो हमें देखभाल की उसमें ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो दर्शकों एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बीके अग्रवाल जो कि एमडी मेडिसिन है, कंसल्टेंट फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट है, और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो डायबिटीज़ है। वैसे तो सामान्यतः हमने कई चर्चाएँ यहाँ पर की हैं हमारे स्टूडियो में आपके साथ, जैसे हार्ट के बारे में हुआ या फिजिकल जो चीज़ें हैं आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में आपको परेशानियाँ होती हैं, तमाम तरीके के पेन हैं उनके बारे में जो बातें की है, लेकिन आज जो हमारा विशेष चर्चा का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज। और डायबिटीज के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर के साथ, लेकिन आज जो हमारे विषय है, मेन जो टॉपिक है जो इसके बारे में हम आपको अवेयर करना चाहते हैं वो है कि जो परमानेंट तरीके से क्या इलाज किया जा सकता है डायबिटीज का। बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज पूछते हैं, और एक और विषय है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसुलिन के अलावा या इंसुलिन का जो अभी तरीका है उसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं, या और जो नई टेक्निक आ रही है डायबिटीज को क्योर करने के लिए वो क्या क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज होती क्या है, किस कितने तरीके की होती है, और आजकल जो गर्भस्थ शिशुओं में या न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें जो डायबिटीज की समस्या देखने को आ रही है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, जैसा कि हमने अभी आपने हमें बताया कि टाइप 2 टाइप 1 के अलावा भी आजकल जो शिशुओं में देखी जा रही है डायबिटीज, अगर बात करें इसके बचाव की तो बचाव में कितने तरीके के ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है, और इसके अलावा जो आजकल पहले जो था इंसुलिन के अलावा और क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही सही सवाल है कि हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले जो हमारा फिगर था जो आज 6.5 और 7 करोड़ के बीच में है जी। ये फिगर लगभग 4.5 करोड़ था 10-12 साल पहले, मेरे देखते ही देखते जी। ये फिगर जो 4.5 करोड़ था अब 6.5 करोड़ है इंडिया में, यानी कि इतने डायबिटीज़ के रोगी बढ़ गए, जबकि मेडिकल साइंस धीमे धीमे करके तरक्की कर रही है जी, बिल्कुल। जहाँ तक आपने पूछा बचाव, मेरे को एक चीज़ लगता है कि अगर हम इसके कारण पे जाते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि आज तक
डायबिटीज़ का कोई भी कारण नहीं पता हो पाया है कि ये क्यों होती है। अगर ये हमें पता लग जाए कि क्यों होती है तो हम बचाव कर लेंगे। सिंपली है कि जो अब तक बहुत सारे कारण पता लगे हैं कि शरीर में ऐसे जेनेटिकली ऐसे डिफेक्ट हो जाते हैं, उन डिफेक्ट की वजह से ये शुगर का आगे चल के परिवर्तन हो जाता है। एक मान के ये चलें कि नो डाउट हमारी गांव अब गांव नहीं रह गए, शहर हो गए, डेवलपमेंट बहुत हो गया, गांव में भी टीवी है, गांव में भी फ्रिज है, गांव में भी बाइक है, गांव में भी शहर की अपेक्षा थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो आई, डबल रोटी ब्रेड गांव में भी है। तो बेसिकली जो एक लाइफ स्टाइल है जी, हम लोगों का जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। तो एक तो ये कि हम पढ़े हैं तो हम अभी से समझ जाएं कि हमें अपना खान पान का ध्यान रखना है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलना है, हल्का मॉर्निंग वॉक, हल्का सा डाइट का कंट्रोल, हल्का स्ट्रेस कम लेना, ये आपको काफ़ी कुछ धक्का दे दोगे आप डायबिटीज़ को, आप पीछे धकेल दोगे। दूसरा जो एक मेरे को भयानक स्थिति लगती है वो ये है कि बच्चों में मोटापा। अगर आप अच्छे बड़े स्कूलों का एक अभी सर्वे हुआ था जिसमें आगरा स्टडी हुई थी, उसमें मैं भी था, तो एक बच्चों का स्कूल का एक प्रोग्राम हुआ था, सर्वे हुआ था, उस सर्वे में आप ये समझिए कि ये पाया गया कि लगभग 15-20% बच्चे मोटे हैं। ये जो मोटे बच्चे हैं, ये जो ओबेसिटी कम डायबिटीज़, एक वर्ड मैंने दिया डायबेसिटी, ये जो डायबेसिटी टर्म है, यानी कि अगर हम अपने उन बच्चों को पीछे ले आएँ, उनका मोटापा कम कर लें, तो शायद मेरे को ये लगता है कि हम उनको आगे आने वाले सालों में डायबिटीज़ से बचा लेंगे। तो एक तो ये कि आपने जो पूछा बचाव, बचाव के लिए मेरे को ये लगता है हम अपने बच्चों को संभालें, हम अपना जो लाइक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी का लेवल उनका बढ़ा दें, एक्सरसाइज, ये टीवी कंप्यूटर से थोड़ा सा आजकल बिना उसके काम भी नहीं हो रहा है, बट कुछ कोशिश करें तो एक वो मैं हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे बच सकते हैं। बट ऐसा प्रमाण ये मिल रहे हैं मेडिकल साइंस के कि 2040 में ये संख्या लगभग 10 करोड़ पहुंच जाएगी, 2035-40 के। तो हम संख्या को पीछे नहीं ला पा रहे हैं जी, बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आपने सही पूछा कि कैसे बचें। दूसरा आपने जो सवाल किया था कि बच्चों में डायबिटीज़ के इलाज में इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जी बिल्कुल, टाइप 1 डायबिटीज़ है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, हम उनको इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन दवाई है जो कि इंजेक्शन के रूप में ली जाती है। आज भी मेडिकल साइंस में 2-3 तरक्की हुई हैं। एक तो ये कि अच्छी क्वालिटी के इंसुलिन आ गए जी, जो कि 24 घंटे में एक बार हमें लेना पड़ता है। आगे आने वाले 4 या 5 साल में मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि एक हफ्ते में एक बार इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसा भी इंसुलिन आने वाला है जी। आगे मेडिकल साइंस में शायद ये भी आ जाए कि 30 दिन में एक बार इंसुलिन लेना पड़े, कुछ इंसुलिन खाने के टाइम पे, बाकी जो एक हफ्ते में या 30 दिन में। तो ये एक मेडिकल साइंस में अच्छा रिसर्च चल रही है, ये एक करिश्मा हो रहा है। दूसरा एक बच्चों में जो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन पंप आ गए, इंसुलिन पंप में जो इंसुलिन पंप में बता दूं, बहुत सारे जो दर्शक नहीं जानते जो मुझे देख रहे हैं, इंसुलिन पंप एक तरीके का डिवाइस होता है, मैंने एक बार प्रोग्राम में लास्ट में आया था तो मैंने दिखाया भी था उसका डेमो। तो उस इंसुलिन पंप में आप आराम से बेल्ट के ऊपर लगा लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, उसमें वायर होते हैं, एक कैनूला होता है जो कि पेट में जाता है, और वो 4 दिन के लिए वो कैनूला पड़ा रहता है। हमने पहले से ये प्रोग्राम बना लिया कि हमें इतना इंसुलिन उसमें लगाना है, तो हम 24 घंटे के लिए वो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन देता रहता है, वो इंसुलिन पंप के जरिए, और खाने के टाइम पे हमने बटन दबाया, इंसुलिन उसमें रिलीज हो गया। तो 4 दिन के लिए आपको कुछ भी चुभाना नहीं है, कुछ भी लगाना नहीं है जी, वो इंसुलिन पंप के जरिए अपना वो इंसुलिन चला जाता है। ये नेचुरल तरीके से, इसको हम बोलते हैं एक आर्टिफिशियल पैंक्रियास, यानी कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसके अलावा उसके तरीके से ही हमने बाहर से उसको मैनेज किया। बिल्कुल, 3-3.5 लाख रुपए की इसकी पंप की कॉस्ट है, इसमें जो दवाई इंजेक्शन भरा जाता है वो 3 दिन के लिए काम करता है, 3-4 दिन चल जाता है वो इंसुलिन। तो एक इस तरीके का, आजकल क्या है कि बाहर अपने इंडिया के बाहर जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उसको रीएम्बर्स कर रही हैं, वो उसको बाकायदा प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो थेरेपी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इंश्योर्ड होते हैं तो ये थेरेपी उनको मिल जा रही है। वो बच्चे जो खेल सकता है, जो स्कूल जा सकता है,
जो आराम से चॉकलेट भी खा सकता है, बिल्कुल वो बच्चा, वो हमारा इंसुलिन पंप पे आराम से रह सकता है। तो एक तो ये जो आपने पूछा कि लेटेस्ट क्या है, दूसरा एक तरीके का डिवाइस आया है इंसुलिन पोर्ट। वो इंसुलिन पोर्ट में क्या है कि हम उसको लगा देते हैं पेट में, और हमें बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना, इंसुलिन जैसे पेट में लगाते हैं इंजेक्शन नहीं लगाना, उसमें क्या है इंजेक्शन डायरेक्ट उसी डिवाइस के अंदर लगा देते हैं, तो वो बार बार चुभाना नहीं पड़ता, वो 3-4 दिन चलती है। एक ये इसमें बच्चों के लिए, बेसिकली देखिए बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है, आप कैसे इंसुलिन लगाएंगे, तो उसमें वो जो डिवाइस है उसके थ्रू हम इंसुलिन लगा सकते हैं। चौथा जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि इंसुलिन पेन्स आ गए, उस पेन में आराम से जो निडल होती है वो उसमें 33 गेज की होती है, उसमें निडल में कहीं कोई उसमें चुभने की सेंसेशन भी नहीं होती, तो वो जो इंसुलिन है वो आराम से उसको लगा सकते हैं। तो इसमें जो कई सारी ऐसी डिवाइस आ गई जी, तो दर्शकों एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज हमारे स्टूडियो में चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके अग्रवाल, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन है, और आज हम बात कर रहे हैं उनसे डायबिटीज के बारे में। दर्शकों यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा बरकरार रखेंगे और जल्द हाजिर होंगे। दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे डायबिटीज के बारे में, अब तक डॉक्टर ने आपको बताया कि डायबिटीज होती क्या है, उसके लक्षण किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, गर्भस्थ शिशु में जो डायबिटीज आजकल देखने को मिल रही है उसके बारे में भी आपको सावधान रहना है, पहले से ही अगर आप सावधानियां लेकर चलेंगे तो आगे आपको परेशानियां नहीं होंगी। और अभी तक हमने चर्चा में आपको बहुत कुछ बताया, और अभी जो हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि लोग किस तरीके से इंसुलिन का जो ट्रीटमेंट है वो होता है, और नई नई जो टेक्निक्स हैं वो आ रही हैं, इसके अलावा आप बच्चों में भी आसानी से इसका इलाज करा सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे कि डॉक्टर आजकल लोगों में विदेश जाकर इलाज कराने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद डायबिटीज का या कोई और भी बीमारी हो उसका इलाज पूरे तरीके से नहीं हो पाता, ये कितने हद तक सही है, क्या यहाँ के इलाज में और वहाँ के इलाज में कितना फर्क देख सकते हैं हम? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये बात पिछले 5-6 साल पहले तक तो एप्लीकेबल थी, अब नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या है, मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है तो हम फॉरेन कंट्रीज़ को कम्पीट करते हैं। जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि लोगों का एक क्वेरी होता है, देखिए डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जीवन भर 3 चीज़ों का सहारा लेना है। नंबर 1, डाइट का आपको कंट्रोल करना है। नंबर 2, आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, एक्टिविटी के तहत अपना वजन मेंटेन करना है। 3, दवाइयां या इंजेक्शन आपको रेगुलर लाइफ लॉन्ग लेनी है जी। अब वहाँ पे जब डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आपको हमेशा दवाई खानी है, तो वहाँ थोड़ा सा एक जो आपने सवाल पूछा कि भाई एक जो वेल ऑफ लोग हैं तो वो ये पूछते हैं कि क्या साहब इसका फॉरेन कंट्री में भी कोई इलाज है, तो हम वहां जाके ठीक करा लें अपनी डायबिटीज, जब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग इलाज है। देखिए इसमें कई सारी इसमें टेक्निक आई हैं, जिसमें सीधा सीधा एक वर्ड है, कैन वी क्योर डायबिटीज, क्या हम डायबिटीज को हमेशा खत्म कर सकते हैं जी? उसका कुछ आंसर है, कुछ डायबिटीज ऐसा होता है जो कि ड्रग्स के थ्रू होती है, कुछ डायबिटीज जो दवाइयों से हो जाती है जी जी। कुछ लोगों को डायबिटीज ऐसा होता है जो कि बहुत माइल्ड नेचर की है, यानी कि हमने हल्का फुल्का डाइट का कंट्रोल बताया या उन्होंने कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक अपनी मेडिसिन ली, वो माइल्ड टाइप की डायबिटीज कंट्रोल हो गई, तो वो लगभग एक तरह से हमेशा के लिए ठीक हो गई जी जी। लोगों का ये कहना होता है अरे हमारी तो डायबिटीज परमानेंट ठीक हो गई जी, और तुम दवाई खा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो। देखिए डायबिटीज़ का एक अपना अपना डिजीज़ का, बीमारी का लेवल है जी, तो वहाँ पे क्या है कि हो सकता है उन्होंने कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन ली हो, बहुत माइल्ड टाइप की डायबिटीज़ हो, वो डाइट या एक्सरसाइज से अपना उनका कंट्रोल है, तो वो लगभग हमेशा के लिए ठीक हो गई जी। दूसरा एक डायबिटीज़ जिन लोगों को मोटापा है, यानी कि मोटापे का मतलब है, एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, एक टेस्ट होता है BMI,
उस बीएमआई से हम ये पता करा लगा लेते हैं कि इनका मोटापे का लेवल क्या है जी। अब अगर मोटापे का लेवल 35 से ज़्यादा है, वो इतने मोटे हैं कि उनका लेवल 35 से ज़्यादा है, यानी कि वजन 100 किलो आप मान के चलो, 125 किलो वजन है, हाइट 6 फीट 5.5 है, तो ऐसे में उनका जो वजन है